तो फिर फौजी गेम आ चुका है। फौजी गेम को हमने बहुत सारा क्रिटिसाइज किया था जब वो उसका जो फर्स्ट लुक है, जो उसका फर्स्ट टीजर है, अक्टूबर में आया था, जो कि किया था अक्षय कुमार ने उसको टीज। तो फिर आज 3rd of January को इस गेम का जो फर्स्ट सिनेमैटिक ट्रेलर है वो लॉन्च हो चुका है। आपने देखा होगा इस ट्रेलर को भी लॉन्च कराया अक्षय कुमार ने, और जो यहाँ पे निकल के आया है हमारा ट्रेलर वो दिखने में कैसा है, मैं कहूँ आपसे कहूँ बिल्कुल जेन्युइन। तो यहाँ पे जो एन कोर है इसने हमको यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया है। जो इसका ट्रेलर है मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे जो गेम में जो ग्राफिक्स हैं, जो इसकी एनिमेशन है, वो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इन कंपेयर टू इट्स प्रीवियस टीजर। यहाँ पे गेम में अच्छा क्या लगा मुझे, यहाँ लगे गेम के कैरेक्टर्स, गेम का जो एनवायरनमेंट है मुझे अच्छा लगा, और गेम में जो इतने भी जो एनिमीज हैं उनकी जो फाइट्स यहाँ दिखाई हैं अच्छी लगी। और जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा इस ट्रेलर का वो है इसकी गन फाइट, जो उन्होंने इसमें गेम की गन्स दिखाई हैं, जो वेपन्स दिखाई हैं यहाँ पे अच्छी लगी। और हम यहाँ कह सकते हैं कि गेम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेपन्स प्रोवाइड करी हैं यहाँ पे, यहाँ से गेम अच्छा है। और अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, अगर यहाँ पे ये गेम का गेम प्ले दिखाते अपने इसी ट्रेलर में तो अच्छा होता, क्योंकि ये अभी छुपा रहे हैं कि गेम का गेम प्ले कैसा है। ज़रूर कुछ कमी होगी अभी गेम प्ले में, इसीलिए उन्होंने अभी गेम प्ले नहीं दिखाया। चलो अब तक हो गई तारीफ, बुराई बात क्या है, गेम का जो इसका जो ट्रेलर है यहाँ पे हमको बहुत ही कम दिखी शेडोज, यहाँ पे थोड़ा काम बाकी अभी भी गेम में शेडोज के एरिया में। और पूरी बात बताऊँ आपको, ये एक्चुअल में एक सिनेमैटिक ट्रेलर है, ना कि कोई गेम प्ले ट्रेलर। तो हमको पता है कि जो गेम के होते हैं सिनेमैटिक ट्रेलर वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन गेम प्ले निकलता है थोड़ा बहुत फीका। अगर हम एग्जांपल लें यूबीसॉफ्ट से, तो जो उसके होते हैं सिनेमैटिक वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, लगता है वाह क्या उसका मनाया उन्होंने सिनेमैटिक, तो सोच लो क्या गेम प्ले होगा। लेकिन गेम प्ले होता है बिल्कुल एवरेज। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका भी वही हल होगा, मैंने यहाँ पे बस आपको एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी तो गेम अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि जो मोबाइल गेमर हैं उनको मिल जाए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया रिप्लेसमेंट पबजी का, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है अभी के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये गेम अभी रिलीज होगा तो अभी नहीं होगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा 23 days आज से, जो कि गेम रिलीज होगा अब जाके 26 January को, जो है हमारा रिपब्लिक डे। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है फौजी के लिए, एनकोर के लिए, कि दिखाने का मोबाइल मार्केट में हाँ हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत ही बढ़िया इंजीनियर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपर्स हैं, दिखा दें जो बाकी कंपनीज हैं कि हाँ हम भी एक बहुत ही बढ़िया गेम बना सकते हैं। और हम कह सकते हैं प्राउड से ये है हमारा इंडियन गेम, बहुत ही बढ़िया। तो ये बस मेरा छोटा सा एक प्रीव्यू वीडियो था इस गेम का, मुझे कैसा लगा। पहले मुझे गेम बहुत ही लगा था बुरा, जो इसका आया था फर्स्ट टीजर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है। मैं ये कहूँगा कि जो पहले आया था वो था बिल्कुल घटिया, लेकिन अब बहुत ही बढ़िया, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। अब बाकी तो हम तभी कह सकते हैं जब गेम का जो ऑफिशियल गेम प्ले है जब रिलीज होगा। उम्मीद है ये गेम के रिलीज होने से पहले ही गेम का गेम प्ले रिलीज कर दें, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों से वेट नहीं हो रहा है, और यूट्यूब पे तो काफ़ी ज़्यादा फेक मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि किसी भी गेम को बता देते हैं यह है गेम प्ले। कोई चैनल था एनकोर नाम का, उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, व्यूज़ आते लाखों में, लेकिन वो ये कहता है जो गेम था आर्मा 3
ये गेम प्ले फौजी का है और लोग उसको मान रहे हैं कि वो सच बोल रहा है, तो ये सब गलत बात है। देखना होगा ये कब हमको दिखाते हैं अपना गेम प्ले। उम्मीद है अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।